एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो यहाँ रात का टाइम था और वेदर काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली। वैसे मैं नॉर्मली इस टाइम पर पीती हूँ कहवा, बट आज मैंने कहवा नहीं पिया बिकॉज़ आज मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि भैया आज चाय पी लेते हैं बिकॉज़ चाय का मौसम था। तो मैंने अपना ये बिस्किट और चाय आज कर लिया और फिर उसके बाद सुबह उठकर मैंने अपना बाकी का व्लॉग बनाना शुरू किया। सुबह उठकर जो है ब्रेकफास्ट से पहले जो अपना वार्म वाटर था वो अपने लिए लिया, बिकॉज़ नाश्ते से पहले मैं रोज़ाना वार्म वाटर पीती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत ही अच्छी आदत है जो मैंने अडॉप्ट की है। तो फिर उसके बाद वार्म वाटर पीने के बाद जो था ना, आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट खाऊं, थोड़ा हेल्दी खाऊं। और वैसे मैं नॉर्मली रोज़ाना खाती हूं, बॉयल एग्स खाती हूं और साथ में चाय पीती हूं, बट आज मैंने अपने लिए बॉयल एग्स और चाय नहीं ली। आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रही थी, तो थोड़ा हेल्दी, बिकॉज ब्रेकफास्ट मेरी कोशिश होती है अपनी जो फर्स्ट मील है ना वो हेल्दी रखूँ, फिर चाहे दिन भर जो मर्ज़ी खाऊँ। वैसे मैं आजकल कोशिश तो कर रही हूँ कि कम कैलोरीज वाला और हेल्दी खाऊँ। तो यहाँ मैंने एप्पल ले लिए और साइड पे मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया और साथ ही साथ मैंने अपना काम कंटिन्यू किया। यहाँ जो मेरा एडिटिंग का काम था तो साथ साथ मैंने वो कंटिन्यू किया, क्योंकि आजकल बस ये एडिटिंग शूटिंग कंटेंट यही सब चल रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने लिए सही प्रॉपर वाला ब्रेकफास्ट बनाया जिसमें चाय, बिकॉज इसमें चाय आ गई तो चाय के बगैर तो मेरा ब्रेकफास्ट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ मैंने अपने लिए 2 कबाब फ्राई किए थे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े ज़्यादा ही फ्राई हो गए हैं, थोड़े ओवर फ्राई हो गए हैं बिकॉज, लेकिन हाँ ये खाने में बहुत मज़े के थे। आई मस्ट से कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा था, थोड़े ओवर कुक हो गए थे बट हाँ इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद अपनी 1 घंटा बैठ के मैं अपना यही अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करती रही। फिर मैंने दोबारा अपने लिए चाय बनाई। मुझे जब भी मैं ये अपना काम करती हूँ एडिटिंग वगैरह का, तो मुझे चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाई। मेरी जो व्हाट आई ईट इन अ डे व्लॉग है ना, उसमें आपको चाय, आई थिंक हर थोड़ी देर के बाद आपको चाय लास्ट में नज़र आएगी, एक चाय और दूसरा जिंजर टी। और फिर उसके बाद मैंने जिंजर टी बना के पी ली, और जिंजर टी बिकॉज मैं मुझे भी शावर भी लेना था, तो उससे पहले पहले मैंने सोचा कि मैं जिंजर टी पी लूँ, बिकॉज मुझे 4 से 5 कप दिन के मैंने टारगेट रखा होता है कि मुझे ख़त्म करनी है जिंजर टी की। और फिर उसके बाद मैंने ये शावर लेना था, तो आज मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस फाइनली आज मैंने निकाला, और ये पूरा विंटर्स मैंने पूरी जनवरी में नहीं पहना, और वैसे ये सर्दियों का फ्रॉक है, अब जब विंटर्स ख़त्म होने लगे हैं तो मैंने आज अपने लिए फाइनली निकाल लिया। और फिर उसके बाद जो था ना, मैं जब अंदर रूम में आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बिकॉज़ कल रात को बारिश भी हुई थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे वही जनवरी वाली वाइब्स जो है ना वापस आ रही हैं। तो बस फिर मैंने अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह किया और कॉम की, एंड आई वॉज़ फीलिंग हंग्री, मुझे भूख भी लगी थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस फिर नीचे गई तो आज बने हुए थे दाल चावल। वैसे मेरा दिल भी चाह रहा था आज दाल चावल खाने को, क्योंकि विंटर्स में मुझे राइस खाना बहुत पसंद है, और साथ ही साथ जब भी मैं चावल खाती हूँ तो मैं साथ में ये ग्रीन चिलीज़ जो है ना चावलों के साथ बहुत शौक से खाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए साथ में 2 ग्रीन चिलीज़ ली और अपना सिंपल सा डिनर किया। और खाना खाने के बाद फिर मैं अपने रूम में आई, मैंने अपनी 40 मिनट की वॉक की। वैसे मैं आजकल वर्कआउट एक्सरसाइज नहीं करी, एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी है बिकॉज आजकल टाइम ही नहीं मिलता, एडिटिंग सारा दिन बस एडिटिंग और कंटेंट और इन्हीं चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो एक्सरसाइज के लिए भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं टाइम निकालूँ, एक्सरसाइज भी करूँ, एटलीस्ट 30 मिनट तो लास्ट में करूँ। और फिर उसके बाद जो था ना, मैं जिंजर टी दोबारा से गर्म करके लाई, जो मेरे 2 कप लेफ्ट ओवर रह गए थे मैंने वो भी ख़त्म किए। और इससे ये कि मुझे, क्योंकि मैं इस सीज़न में मुझसे पानी नॉर्मल वाटर नहीं पिया जाता, तो मैं उसमें जिंजर ऐड करके पीती हूँ और मुझे इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद, वॉक करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, स्किन केयर करने के बाद, एडिटिंग ख़त्म करने के बाद, फिर मैं नीचे गई फाइनली सोने के लिए। और मैंने अपने लिए बनाया कहवा, दैट वॉज़ माई लास्ट मील, जो कि मैं सोने से पहले लास्ट में पीती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सो दैट वॉज वॉट आई ईट इन अ डे। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।